स्टार्स घर पर हैं कि नहीं ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं आपके ही किसी एक और फेवरेट स्टार के घर, लेकिन कैसा है उनका घर ये जानने के लिए और क्या वो अंदर हैं, इसके लिए आपको पता ही है हमें क्या करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सबसे पहले हमें इनके डोर को नॉक करना पड़ेगा। तो चलिए हम इनके डोर को नॉक करते हैं और जानते हैं कि इनका घर कैसा है और कौन है वो स्टार। हाय तन्वी। तो हमारे साथ आज है तन्वी, जो दिखाने वाली है आपको उनका अपना घर, कि कैसा है उनका घर और किस तरह से उन्होंने सजाया है अपना ये सपनों का महल। तो तन्वी, वेलकम टू। थैंक यू सो मच कि आप मेरे घर पे आए हो। ज़्यादातर लोगों को मैं बुलाती नहीं हूँ, मतलब आप बहुत ही स्पेशल हो, आप बहुत ही स्पेशल हो, इसलिए मैंने आपको। ओके, सो अंदर चले जी। ओ माय गॉड, तन्वी के साथ रहते हैं दो फेवरेट उनके डैंटडैन। मैं इनको कुत्तों नहीं बुलाऊंगी बिकॉज दे आर मोर स्पेशल देन दैट। तो ये मेरी छोटी वाली बेबी है, इसका नाम जोई है और मैं हमेशा उसको ड्रेसअप करती हूँ। कभी ये फ्रॉक्स पहनती है, कभी डंगरीज पहनती है, सो एवरी डे शी इज ड्रेस्ड अप लाइक शी इज वॉकिंग ऑन द रनवे। तो बस ये मेरा हॉल है, जैसे आप देख सकते हो, दिस इज वेयर माई डॉग स्लीप। इसलिए मैंने ज़्यादा हॉल को सजाया नहीं है बिकॉज ये उनका घर है। अंदर पूरा मेरा कमरा है, मैंने उसको सजाया, लेकिन ये उनका स्पेस है तो मुझे ज़्यादा चीज़ें रखनी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने उनको सजाया है। सो दिस इज़ माई हॉल एंड दिस इज़ वेयर माई डॉग स्लीप्स, बोथ ऑफ देम स्लीप हियर। ये जो वहाँ पे आप देख सकते हो, दो बेड है। मैंने जोई को दो ऑप्शन दिए हैं, उनको उसको जहाँ सोना है वो सोती है, कभी यहाँ सोती है, कभी यहाँ सोती है। सो दिस इज हर बेड, है ना जोई? अच्छा, तुमने हाय नहीं बोला किसी को? हाय बोलो जोई, हाय हाय, सबको हाय बोलो। क्यूटी, चल आई। ये मेरा किचन है और यहाँ मैं सबसे कम वक्त गुजारती हूँ बिकॉज मुझे कुकिंग नहीं आता। मैं मैगी कभी कभी बना लेती हूँ। सो दिस इज़ वेयर आई, मतलब कभी कभी जब मैं आती हूँ तब, दीज आर माई फेवरेट पिक्चर्स ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, सारे यहाँ पे मैंने मैग्नेट्स लगाए हैं, फ्रिज मैग्नेट्स, दीज आर ऑल द प्लेसेस। एंड ये मुझे रजनीकांत में किसी ने गिफ्ट किया है। मैसी है, डोंट केयर, क्योंकि मैं अपने बाल को ऐसे ऐसे मैसी ही रखती हूँ, मैं कभी उसको ब्रश नहीं करती, आई एम वेरी लेजी लाइक दैट। सो दिस इज़ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली और ये मेरा किचन है। ये मेरा सिट आउट कमरा है, यहाँ मैं अपने फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स जब आते हैं तो मैं उनको यहीं पे बिठाती हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माय मोस्ट स्पेशल रूम्स इन द हाउस। ये सारे मेरे कोट्स हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, दे कैन बिकॉज दे थिंक दे कैन। एंड ये मैंने लगाया नहीं लेकिन मैंने लिया है, मैं सून जल्दी लगाऊंगी। अ होम विदाउट अ डॉग इज जस्ट अ हाउस। मुझे लगता है ह्यूमन से ज़्यादा आपको एनिमल समझ सकते हैं। एंड जब भी मैं हैप्पी होती हूँ, सैड होती हूँ, मेरा चाहे जो इमोशन हो, माई डॉग्स ऑलवेज अंडरस्टैंड मी। दिस इज़ माई वेरी स्पेशल बेडरूम। ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, ये जो यहाँ पे आप हार्ट देख सकते हो, उसमें लाइट भी आता है कभी कभी। एंड दिस इज़ माई वेरी वेरी स्पेशल वॉल जो मैंने सजाया है। ये मेरे कबर्ड्स है, सॉरी अगर मैसी निकलेंगे तो। यस, मैसी है, सो सॉरी, ऑफिशियल सॉरी मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे अपने कैजुअल कपड़े रखती हूँ जो मैं सूट पे पहनती हूँ, और जनरली जब तो मतलब इवेंट्स पे जाती हूँ, पार्टीज पे जाती हूँ, तो ये सारे कपड़े हैं जो मेरे कैजुअल कपड़े हैं। और आई विल शो यू समथिंग वेरी स्पेशल। ये जो मेरा एक ड्रेस है, मैंने एक्चुअली अपने बर्थडे के लिए लिया था 2-3 साल पहले। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्रेसेस। और मैंने ये एकदम, मतलब मुझे वो बाबी डॉल प्रिंसेस वाला फील देता है। आई फील लाइक आई एम अ वेरी स्मॉल गर्ल अगेन। मेरे सारे ड्रेसेस जो मैं पार्टीज में पहनती हूँ सब यहाँ है। और ये मेरे शूट के कपड़े हैं। इसमें ये सारे मेरे इंडियन वेयर और ये सब यहाँ पे, क्योंकि मैं आई डोंट वेयर देम ऑफन, शादियों में हम लोग हमेशा नहीं जाते, तो जब भी मैं कुछ ऐसा मौका आता है तो सारे जो इंडियन वेयर है वो यहाँ पे भरे पड़े हैं। सो दिस इज़ माय इंडियन वेयर का कबर्ड। ये जो पाउचेस है, एक में माय स्टफ़ लिखा है एज़ यू कैन सी,
एक में माइन लिखा है, और हाँ ये मेरा सबसे लेटेस्ट पैलेट है, इट्स माय आई शैडो पैलेट जो मैं इस शो में यूज कर रही हूँ। मेरे पापा यूएस में है तो मैंने उनको बोला था कि प्लीज गिफ्ट इट टू मी, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पैलेट्स। बाकी सारी चीज़ें ऐसे लाइक आई सेड मैं बहुत ही मेसी हूँ, या इसमें मेरी लिपस्टिक्स है, इसमें मेरे आई पेंसिल्स है, इसमें मेरा बेस है, इसमें मेरा आई शेडोज है, बहुत सारा मेकअप है। माई गॉड, सबसे स्पेशल एरिया मेरे रूम में और मेरे घर में ये है, ये मेरा मिरर है। ये क्यों मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि ये मिरर मेरे रूम में था, बहू हमारी रजनीकांत जो मेरा प्रीवियस शो था उस रूम में ये मिरर मैंने अपने रूम में लगाया था, और जब शो ख़त्म हो गया था तो उन्होंने मुझे ये मिरर गिफ्ट किया था। और आई विल मेक यू मीट माई मोस्ट स्पेशल पर्सन इन दिस हाउस, शी इज़ माई मैन फ्राइडे, शी इज़ बीन विद मी फॉर सो मेनी ईयर्स, शी टेक्स केयर ऑफ मी, शी टेक्स केयर ऑफ माई डॉग्स। ओके सो चलते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है मुझे मिरर्स बहुत पसंद है, मैं हर जगह अपने घर पे अगर मिरर सजा सकती थी तो आई वुड हैव। ये तो लगता है कि ये बहुत ही स्वीट सा क्यूट सा पेंटिंग है, लेकिन इसके पीछे जो राज है, उसकी जो स्पेशल है इसके बारे में, वो पीछे है। दिस इज ये जो पेंटिंग था, ऐसे 9 पेंटिंग्स थे हमारे रजनीकांत के सेट पे, और जब शो एंड हुआ तो हमारे प्रोड्यूसर ने बोला कि हम लोग एक एक पेंटिंग सेट से उठा सकते हैं, तो सारे जो कास्ट वाले हैं सब ने एक एक पेंटिंग उठाया, और मैंने ये वाला उठाया। पता नहीं क्यों आई जस्ट रिलेट टू दिस, मुझे थोड़ा सा इसको देख के पीसफुल सा महसूस होता है। एक्चुअली लाइफ हमारी एज एक्टर्स बहुत केओटिक होती है, जब हम लोग सेट पे जाते हैं तो इतने सारे कलर्स होते हैं, इतने बड़े बड़े सेट्स होते हैं, तो यू डोंट वॉन्ट टू कम बैक टू सच अ ग्रैंड एंड बिग कलरफुल लुकिंग हाउस, यू ऑलवेज कम बैक, यू वॉन्ट टू कम बैक टू सिंपल कलर्स जो थोड़े से पीसफुल हो, जो हमें काम रखे, सरीन रखे। इसलिए मैंने ज़्यादा घर को कोई ऑरेंज वॉल नहीं है, कोई रेड वॉल नहीं है, बहुत ही सिंपल और सोबर रखा है मैंने घर को, सो दैट इज़ वाई द कलर्स आई चूज अ वेरी पीसफुल। आपने बोला कि आप खाना पकाते नहीं हो, तो कभी ऐसा कुछ मन करता है या फिर खाने के शौकीन हो कि नहीं हो? हाँ एक्चुअली आई एम नॉट अ फूडी, इफ यू सी मैं हेल्दी खाना खाती हूँ, और मुझे इतना खाने का शौक नहीं है, बिकॉज जब मैं छोटी थी मैं बोर्डिंग स्कूल में थी, तो बोर्डिंग स्कूल में मैं 12 साल के लिए थी, वहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं मिलता कुछ, इट्स नॉट अ बूफे, यू नो यू गेट वेरी मिनिमलिस्टिक हेल्दी गुड फूड। तो तब से लेकर आज तक, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से दैट मुझे एडिटेड ड्रिंक्स का भी शौक नहीं है, मैंने कभी कोई भी एडिटेड ड्रिंक, पेप्सी हो या कोक हो या स्प्राइट हो, मैंने टेस्ट भी नहीं किया है, मैंने चाय भी टेस्ट नहीं किया है, कभी मेरी आदत ही नहीं थी, कभी स्कूल में देते नहीं थी, उसके बाद से मेरी आदत ही नहीं हुई, आई हैव नेवर टेस्टेड दैट ऑल्सो। कभी कभी कहीं पार्टी में जाती हूँ, देन आई हैव आइस टी या कोल्ड वाटर, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जो आप करना चाहती हैं, कोई है? एक्चुअली पता नहीं क्यों मेरी शक्ल पे क्यों लोगों को लिखा है कि मैं कॉमेडी ही कर सकती हूँ, एंड जब आई लाइक टू डू ड्रामा, मेरा फोर्टे ड्रामा है, अगर मुझे बोलो कि स्क्रीन पे रोना है तो मैं एक सेकेंड में रो सकती हूँ, माय गॉड मैं 5 मिनट पहले ही आपके सामने रो चुकी हूँ, पर रोना आई थिंक इज समथिंग दैट आई रिलेट टू, मैं कर सकती हूँ ये, लेकिन कोई मुझे देता ही नहीं है यार रोने वाले रोल्स, सब अभी भी मैं जो शो कर रही हूँ टीवी बीवी और मैं, उसमें भी इट्स अ कॉमेडी शो, रजनीकांत इज अ कॉमेडी शो, लेकिन हाँ मैंने काफ़ी रोने धोने वाले रोल्स किए हैं, लेकिन उसमें मुझे इतना लव और सपोर्ट ऑडियंस की तरफ से मिला नहीं, जबकि मुझे लगता है मैं ये बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन आई थिंक कॉमेडी शोज में द अमाउंट ऑफ लव आई हैव गॉट आई रियलाइज कि चल यार अगर आप मुझे ऐसे प्यार करते हो मैं यही करूँगी आपके लिए। सो तन्वी थैंक्स अ लॉट कि आपने छुट्टी का जो टाइम है वो हमें दे दिया, और क्योंकि आप मेरे घर आए मुझे इतना अच्छा लगा, लेकिन मेरे आपको मैं बताऊं कि मेरे जो कुत्ते हैं दे स्टार्टेड लविंग हर सो मच, दे फेल इन लव विद हर, और मतलब इसके ऊपर जो कूद रहे थे ना, आई कांट टेल यू, सो सॉरी यू हैव टू बेयर विद दैट। हमें काफ़ी मज़ा आया, आई होप कि तन्वी का घर, इनके सारे स्टफ्स और स्पेशली मेकअप के जो सामान हैं उससे तो लड़कियां खैर फिदा हो ही जाती हैं, तो थैंक्स अ लॉट आपको। थैंक्स आपको कैसा लगा फटाफट अपने कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं, और हाँ नेक्स्ट सेगमेंट में आप किसे देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं, हम ऐसे ही आपको नए नए एक सेगमेंट में आपके नए नए फैन से मिलवाते रहेंगे और उनके घर के बारे में बताते रहेंगे। कैमरामैन खालिद के साथ मैं मिनी लेरिस स्मॉल स्क्रीन, ये